हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में फाइंड मिसिंग नंबर का आज पार्ट 4 है। फाइंड मिसिंग नंबर से पहले हमने जो रीजनिंग में चैप्टर डिस्कस किया है वो है डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं। यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, वहाँ आपको कंप्लीट डाइस की वीडियो आपको मिल जाएगी। डाइस में हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर का पार्ट 4। आपके सामने एक टेबलर दिए गए हैं कि टेबलर में यहाँ एक संख्या मिसिंग है। इस मिसिंग संख्या को हमें बतानी है कि ये जो संख्या मिसिंग है यहाँ कौन सी संख्या होगी। ठीक है, आपको यहाँ एक फॉर्म पैटर्न दिया गया है, एक पैटर्न यहाँ दिया गया है और वही पैटर्न आप इसमें भी फॉलो करेंगे और बताएंगे कि यहाँ संख्या, वो संख्या कौन है जो यहाँ मिसिंग है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। और ये आपका एग्ज़ाम 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का टायर वन का पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम पूछा गया था 9/8/2015 में। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बात हमें देखने पर यहाँ से ज्ञात हो रहा है कि जो बीच वाली संख्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। बीच वाली जो भी संख्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं और इसलिए यहाँ भी जो संख्या होगी वो बड़ी ही होगी, कोई छोटी संख्या होने का सेंस बन नहीं रहा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। एक बात हमें देखने पर यहाँ से ये मालूम चलती है कि यहाँ देखिए, यहाँ 4 के सामने कौन सी संख्या है, 8। यहाँ भी 4 के सामने कौन सी संख्या है, 8। यहाँ भी 4 के सामने कौन सी संख्या है, 8। ठीक है, तो इस बात से हमें तो ये पता चल जाता है कि ये जो 4 के विपरीत वाली संख्या है वो 8 है। और एक बात और यहाँ से देखिए, जब हम एक और पैटर्न देखते हैं तो यहाँ देखिए 7 के विपरीत 3, यहाँ भी 7 के विपरीत 3 और यहाँ भी 7 के विपरीत 3। तो लगभग सभी संख्याएं एक दूसरे के उसी प्रकार हैं जिस प्रकार इसमें संख्याएं हैं, उसी प्रकार इस वाले पैटर्न में भी, उसी प्रकार इस वाले पैटर्न में भी। अब जो भी अंतर है वो बस बीच वाले मान में अंतर है और बीच वाले मान में क्या अंतर है ये हमें देखने के बाद पता चलेगा। चलिए तो देखते हैं कि बीच वाले मान में क्या अंतर है। तो देखिए पहले वाले में लिखा है कि 6, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 3। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिखा है, तो दूसरे वाले में लिखा है कि 3, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 5 और उसके बाद लिखा है 6। ध्यान से देखने पर हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ विपरीत बस कर दिया है कि यहाँ जो फर्स्ट है आपका, यहाँ जो फर्स्ट है यहाँ आपका लास्ट कर दिया है, यहाँ जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट कर दिया है, उसके बाद से जो फोर्थ है यहाँ पर कर दिया है, उसके बाद से जो 3 है ये सबसे लास्ट में यहाँ है तो यहाँ सबसे पहले कर दिया है। ठीक है, तो अब यही हमें ज्ञात करना था। हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ जो संख्याएं हैं वो यहाँ की संख्याएं के बिल्कुल विपरीत में कर दिए गए हैं। तो इस पैटर्न से हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये पैटर्न ये कहता है कि जब यहाँ की संख्याएं इसके विपरीत हैं तो जो यहाँ की संख्याएं होंगी इसके विपरीत होंगी। तो इसके विपरीत हम क्या करेंगे, तो चलिए इसके विपरीत करते हैं। तो पहले 3 है तो 3 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, उसके बाद 4 है तो 4 को हम सेकेंड में कर देंगे, उसके बाद 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और सबसे लास्ट में 6 है तो 6 सबसे शुरू में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जा रहा है कि 6, 5, 4, 3। तो 6, 5, 4, 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वह कहाँ में मिल रहा है, तो ऑप्शन संख्या 1 में हमें 6, 5, 4, 3 दिख रहा है और यहाँ जो मिसिंग है वो यही संख्या होगी 6, 5, 4, 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 6, 5, 4, 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, 5, 4, 3। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 2015 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है कि यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो कौन सी संख्या होगी। ठीक है, और ये भी आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर 1 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप एक बार इससे कोशिश कीजिए और देखिए यहाँ संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ संख्या कौन सी होंगी। तो एक पैटर्न हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं और देखिए क्या है वो पैटर्न। बीच में यहाँ 60 है, बीच में यहाँ 84 है और यहाँ बीच में ही ये संख्या प्रश्नवाचक यानी गायब है, वहाँ हमें ज्ञात करना है जो। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। फिर हम जब पैटर्न इसको देखते हैं तो ये हमें पैटर्न ज्ञात होता है कि बीच वाली संख्या कुछ बहुत बड़ी तो संख्या है नहीं, थोड़ा सा छोटी ही संख्या है। तो वहाँ कौन सी संख्या होगी, यही हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ भी कोई संख्या बहुत बड़ी नहीं, स्क्वायर करके जोड़ने पर मान बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 6 36, 7 7 49 और 2 2 4 84 से बहुत अधिक मान यहाँ आ जाएगा। वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो नहीं होता, 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16। यहाँ एक पैटर्न हम देखेंगे कि ये फॉलो करता है। ध्यान से देखने पर एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि 4 3 12, 12 5 60 और 60 1 60, यानी सबका गुणा करने पर जो मान है हमारा वो 60 आ रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो यहीं भी तो नहीं हो रहा है। 7 कन्ने 7, 7 दूनी 14 और 14 में जब हम 6 का गुणा करें 4 6 84, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है कि यहाँ 84 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तो पैटर्न हम समझ गए कि पास इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में, ठीक है, क्या किया जा रहा है। तो ये पैटर्न हमने समझ लिया कि इस वाली संख्या का इसमें गुणा, इसके बाद से इसमें गुणा, उसके बाद से इसमें गुणा कर देने पर मान आ जा रहा है। साथ में 1 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद से उसमें 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद से 6 में गुणा करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो पैटर्न हो रहा है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार किया, तो इस प्रकार से हमें पैटर्न समझ गया कि कैसे किया हमने। तो चलिए एक बार यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, थोड़ा फ्रेश दिखने लगा हमें यहाँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि यहाँ हमारा मान क्या होगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 3 30, 30 से कन्ने 30, और जब हम 30 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है, 90। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा 90, जो ऑप्शन संख्या ए है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस मिसिंग नंबर पर क्या होगा, तो इस मिसिंग के स्थान पर आपका करेक्ट आंसर होगा 90 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में। ये सबसे हल्के वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम नहीं था, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है। यह आपका 2015 के एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ देखने पर कि अब यहाँ मगर जो 6 6 36, ठीक है, उसके बाद 4 चौक 16, 3 3 9 1 और 5 5 25, जोड़ने पर भी हमारा 133 नहीं आ सकता, क्योंकि 133 थोड़ी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ 133 थोड़ी बड़ी संख्या है। तो अब हमें 133 लाना है, और यहाँ सबका स्क्वायर करके भी जोड़ने पर नहीं आ रहा है। जोड़ने पर तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है कि जोड़ने पर हमें संख्या ला सकते हैं। हाँ, एक सेंस हम बन रहा है, यहाँ देखें कि क्या सभी संख्याओं को जोड़कर किसी से गुणा करने पर तो नहीं बन रहा। तो ये पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, और ये आपका 2015 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 16/8/2015 एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, 6 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा मान, 10 आ गया। ठीक है, 5 और 3 जोड़ दिया 8 1 9, हमारा 19 आ गया टोटल। ठीक है, 9 और 10 19, हमारा टोटल मान कितना आ गया, तो हमारा टोटल मान यहाँ देखिए 6 4 10 10 3 13 13 1 14, 14 5 19 19 में जीरो जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मान यहाँ क्या आ गया, तो हमारा मान यहाँ आ गया 19। ठीक है, अब 19 हमारा मान आ गया, तो 19 में हमारा कैसे करने पर हमारा 133 आ रहा है। तो जब 19 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो शायद हमारा 133 आ रहा है। 7 9 63 के 3, ठीक है, आपके पास 63 के 3 हाथ में आएगा 6, 7 1 कन्ने 7 6 13, बिल्कुल सही जो हमने पैटर्न फॉलो किया था वो हमारा मान आ गया 19 सत्ते 133, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपका 133 है, और जी बिल्कुल हम इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारा मान क्या आ रहा है, 19 में जब हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 133 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही पैटर्न है, और यही पैटर्न देखेंगे क्या यहाँ फॉलो कर रहे हैं जो सेकंड नंबर दिया गया है। तो एक बार देखेंगे क्या सही यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ जोड़ा 8 2 10, ठीक है, 6 4 10 10 20, 20 5 25 और 25 3 28, हमारे पास मान कितना आ गया, तो हमारे पास मान आ गया आपका यहाँ 28। ठीक है, 28 आ गया। अब 28 में हम कितना का गुणा करेंगे, 7 का। 28 में 7 का गुणा करके देखेंगे कि क्या सही में ये बीच वाला 196 आ रहा है मान हमारा। ठीक है, तो एक बार गुणा करके देख लीजिए, 8 सत्ते 56, ठीक है, 6 5, उसके बाद से 7 दूनी 14, 14 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19। जी बिल्कुल हमारा जो मान है 196 बिल्कुल सही आ गया, यहाँ 196 करेक्ट हो गया। हम कर क्या रहे हैं, इन जो इतनी सारी जो संख्याएं दी गई हैं आइड साइड, उनका जोड़कर उसके बाद से हम कितना से गुणा कर दे रहे हैं, 7 से गुणा कर दे रहे हैं, तो बीच वाला मान आ जा रहा है। ठीक है, और वही भी हमने यहाँ भी किया, सबको जोड़ा 28 आया, 7 से गुणा किया 196 आया, बीच में 195 मान है। तो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेगा और देखेंगे कि यहाँ पैटर्न कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ हम जोड़ते हैं सबको। हमने यहाँ जोड़ा 5 4 9 9 1 10 7 3 10 20 और 20 के बाद से हमने जो 2 जोड़ा तो हमारा मान कितना आ गया 22। ठीक है, और 22 में जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 1, 7 दूनी 14 1, 15, 154। 154 हमारा मान आ जा रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ये जो संख्या मिसिंग है उसके स्थान पर क्या होगा? 154। 154 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपका 2015 एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसमें कुछ सभी को जोड़िए, उसके बाद से 7 से गुणा कीजिए तो बीच वाला मान आराम से आ जा रहा है। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 15 सेकंड 17 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन हमने जो डाइस पढ़ा है तो ये वहाँ फ़ायदा ये होता है कि यदि आपने डाइस पढ़ा है तो डाइस के सभी क्वेश्चन आप मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड में कर लेते हैं। तो यदि आपने डाइस नहीं देखा तो डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोज़ बनाई हैं, एक बार प्लेलिस्ट में विजिट जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट रीजनिंग की मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक टेबलर फॉर्म दिया गया है, इसमें 2 या फिर 3 टेबलर फॉर्म नहीं है। यह आपका SSC प्रीलिम्स जो हुआ था एग्जाम SSC प्री कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का, वो 2027-2-2000 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको कोई 2 पैटर्न नहीं दिया गया है कि 2 पैटर्न आपको दिया गया होगा। इसमें आपको ये जो ये वाला है उसी में कोई एक ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा जो ये तीसरे वाले कॉलम में फॉलो करेगा और वही हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो हम यहाँ देखने पर एक कि 9 के बाद सिर्फ 1 ही घट रहा है, 9 - 1 तो आपका हो जा रहा है 7। ठीक है, 9 - 1, उसके बाद से 8 - 1। ठीक है, तो आपका फिर यहाँ 9 - 1 तो 8 हो जा रहा है, 8 - 1 तो आपका कितना आ गया 7, यानी 7 आपका मान आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखने पर यहाँ तो आपका 4 है, तो 4 में 1 जोड़ रहे हैं, 4 + 1 तो कितना आ जा रहा है 5। ठीक है, और यहाँ 5 + 1 करने पर 6 आ जा रहा है। मतलब कोई एक समान संख्या या तो इसमें से घटाई जा रही है या फिर एक समान संख्या इसमें से जोड़ी जा रही है। क्या देखने पर हमें तो एक पैटर्न हमें ये मिल रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से -1 क्रमशः करते जा रहे हैं तो नीचे वाली संख्या आ जा रही है। ठीक है, उसके बाद से इन दो इन टेबलर में से -1 + 1 क्रमशः करते जा रहे हैं तो नीचे वाले मान क्रमशः आ जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी कोई ऐसी संख्या करनी पड़ेगी। तो इसमें से +1 या फिर -1 करने से तो बात बनने वाली है नहीं। लेकिन यहाँ देखिए एक पैटर्न हमें यहाँ मिल रहा है कि 12 में से कितना हम घटाएंगे तो आएगा -8 करेंगे, तो 20 में से -8 करेंगे तो हमारा 12 मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कहा था कि यहाँ देखिए, यहाँ अगर जो हमने -1 किया था तो नीचे भी तो हमने -1 ही किया था, यहाँ से भी यहाँ -1 ही किया था, तो हम यहाँ से भी कितना करेंगे -8 ही करेंगे। ठीक है, अब -8 करने पर हमारा मान जो आएगा तो 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 ही मान आएगा। वो मान कौन सा है? तो मान है आपका 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपका क्या होगा? 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत हल्के पैटर्न वाले क्वेश्चन है। SSC CGL प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 27-2-2000 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया। इस क्वेश्चन में बहुत कोई ट्रिक नहीं थी या फिर कोई पैटर्न नहीं था। इन क्वेश्चन को आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके पे इसमें टोटल हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी किसी बुक या फिर कोई अदर स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे उतना जितना आपके लिए बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया आपने समझ लिया। एक एक पैटर्न जो इसमें फॉलो, इसमें -1 कर रहे थे, इसमें +1 कर रहे थे, इसमें -4 किए तो नेक्स्ट वाला माना गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और पैटर्न दिया गया है, टेबलर फॉर्म दिए गए हैं और आपका SSC CGL प्रीलिम्स 2000 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 27-2-2000 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ मान कौन सा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर हमें एक पैटर्न यहाँ ज्ञात हो रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मतलब हम बढ़ रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ही तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा कि +1 हो रहे हो? तो जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम +1 हो रहे हैं, +1 हुए। ठीक है, यहाँ भी हम +1 हुए। ठीक है, तो यहाँ भी हमने दोनों जगह पे हम +1 हुए और यहाँ भी क्या हुए, तो यहाँ भी -1 से 0 यानी +1 ही तो हुए हम। फिर 0 से जब हम +1 होंगे तो यहाँ हमारा मान क्या आएगा, तो यहाँ हमारा मान 1 आना चाहिए। क्या देख लेंगे कि इसमें भी हम +1 हो रहे हैं, जो थर्ड वाला पार्ट है। तो देखिए -2 से जब हम +1 होंगे तो -1 आएगा, -1 से +1 होंगे तो हमारा मान 0 आएगा। तो जी बिल्कुल हमारा आंसर सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, क्योंकि हम ऊपर से प्लस हो रहे हैं। कैसे किया हमने, एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ से आप +1 हुए तो 1 आया, यहाँ से +1 हुए तो 2 आया, अब यहाँ से आप +1 हुए तो -1 आया, और यहाँ से +1 हुए तो जैसे -1 +1 कट के कितना आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ भी आपका 0 आया, यहाँ भी -1 में +1 हुए तो -+0 आपका आ गया। ठीक है, तो अब 0 में यहाँ +1 होंगे तो हमारा मान क्या आएगा, तो 0 में +1 होंगे तो हमारा मान 1 आएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। ये ही इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी एक टेबलर फॉर्म है। इस जो पैटर्न इसमें फॉलो करेगा वही पैटर्न इसमें फॉलो करेगा, और वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिडिल जोन में जो एग्जाम हुए थे उनमें 24/2/2002 का एग्जाम जिसमें हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या होगी। क्या सबको जोड़ने पर कोई ऐसा फॉर्म बन रहा है, नहीं, तो यहाँ 11 है, कोई बहुत बड़ी भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है नीचे। तो ध्यान से देखने पर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ से जब 9 में 7 जोड़े तो 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ 6 में 4 जोड़े तो 10 आ गया। यहाँ कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, और 16 में से जब हमने 5 माइनस किया तो हमारा 11 आ सकता है। 16 में से जब हम -5 करेंगे तो हमारा मान यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, और 6 4 हमने जोड़ा 10 आया। ठीक है, तो 10 में से हम जब माइनस करेंगे 10, यहाँ आपका आया 10, और 10 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ मान 2 आ जाएगा, जो 2 यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर सभी करेक्ट जा रहा है। क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, और उसमें से इसको घटाना है तो 7 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इसको और इसको जोड़ लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ 8 लिखा, +x लिखा, और माइनस हमने जब 4 किया तो हमारा मान 7 आ गया। ठीक है, यही इसमें पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए कैसे हमने किया, तो इसको इसको आप जोड़ लीजिए, तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, और उसमें से 4 घटाने पर नीचे वाली मान आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 हमने घटा दिया, तो 4 हम घटाए तो हमारा मान 7 आ जाना चाहिए। लेकिन जब 4 इधर जाएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा, तो जब 4 इधर जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, और जब 8 उसमें से घटाएंगे तो आपका x का मान कितना बचेगा, तो x का मान बचेगा आपका 3। ठीक है, x का मान आपका 3 बचेगा। ठीक है, 8 3 11 होता है, तो यहाँ x का मान आपका 3 बचेगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़िए, उसमें से ये घटा दीजिए। 9 7 16 में से 5 चला गया आपका 11, उसके बाद से 6 4 10 में से 8 चला गया आपका 2, फिर 8 + x यहाँ कीजिए तो 8 + x - 4 = 7। ठीक है, अब यहाँ 7 चला जाएगा तो 7 4 11 11 आपका हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 11 में से जैसे ही हम 8 घटाते हैं तो 11 आपका यहाँ लास्ट में आ गया ना, जब उधर बेचेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 11 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 3 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपका एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपका तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमने 6 क्वेश्चन किए टोटल, प्रीवियस ईयर थे, आपको बेहतर समझ में आएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम 100+ क्वेश्चन करेंगे फाइंड मिसिंग नंबर के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाइस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट डाइस देख सकते हैं। धन्यवाद।